ઇરાની જી, શક્તિસિંહ ગોહિલજી, મધુસૂદન મિસ્ત્રીજી, મોહનસિંહ રાઠવાજી, તુષાર ચૌધરીજી, દિનેશ પટેલજી, હમારે સબ એમએલએસ, કોંગ્રેસ પાર્ટી કે સબ નેતા, યુથ કોંગ્રેસ, એનએસયુઆઈ, સેવા દલ, મહિલા કોંગ્રેસ કે હમરે સબ લોગ જો યહાં કલ્ચરલ શો કરને આયે, આપ સબ ભાઈઓ ઓર બહેનો, પ્રેસ કે હમરે મિત્રો, આપ સબકા યહાં બહોત બહોત સ્વાગત. ગરમી મેં આપ મેરી બાત સુનને આયે, ઇસકે લિયે આપ સબકો દિલ સે બહોત બહોત ધન્યવાદ. એક તીર એક કમાન, એક તીર એક કમાન, જય જોહાર કા નારા હૈ. ભારત દેશ હમારા હૈ, જય જોહાર કા નારા હૈ. નહીં સુનાઈ નહીં દિયા ભાઈઓ બહેનો, જય જોહાર કા નારા હૈ, જય જોહાર કા નારા હૈ. ચોકીદાર નહીં, એ તો આપને હિન્દી મેં બોલ દિયા, મતલબ ચોકીદાર ચોર છે, ચોર હૈ તો દિલ્હી મેં ચલતા હૈ, ગુજરાત મેં ચોકીદાર ચોર છે. ચોકીદાર ચોકીદાર ચોકીદાર. રાફેલ મામલે મેં આપને દેખા, ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી, એરફોર્સ કે લોગો ને સાફ લિખ કે કહે દિયા कि नरेंद्र मोदी जी डेसॉल्ट कंपनी के साथ पैरेलल नेगोशिएशन चला रहे थे. सरकारी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स से छीन के उनकी जेब में डाले. इसलिए आप लोग कहते हो चौकीदार. पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे अच्छे दिन आएंगे. आज आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी से भी कह दो चौकीदार चौकीदार चौकीदार, पूरे देश को मालूम है. वायुसेना से, वायुसेना से, एयरफोर्स के पायलट से 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को देते हैं. फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने मुझे साफ बता दिया कि अगर राफेल हवाई जहाज खरीदना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को परे करो, अनिल अंबानी को सामने लाओ. मतलब फ्रांस में भी चौकीदार चोर है नारा चल रहा है. फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है चौकीदार चोर है, और हमारा जो प्रधानमंत्री है, एयरफोर्स के लोग कहते हैं, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, पूरा देश कह रहा है चौकीदार चोर है, हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहता, एक शब्द नहीं कहता. मगर जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं
या भाषण देते हैं तो आप उनकी आंख को देखिए, उनके चेहरे को देखिए। लोकसभा में मैंने 4 सवाल पूछे, नई डील के में राफाल हवाई जहाज का दाम क्या था, एचएल को आपने परे क्यों किया, अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उसको क्यों दिया, नरेंद्र मोदी जी मेरे आंख में आंख ना मिला पाए, 1.5 घंटे का भाषण किया। और मैं गुजरात की जनता को कहना चाहता हूं, 1.5 घंटा भाषण किया, कभी नीचे देखें, कभी इस साइड देखें, कभी ऊपर देखें, कभी यहां देखें, मगर गुजरात की जनता जिसने अपनी पूरी शक्ति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दी, उनकी आंख में प्रधानमंत्री आंख मिलाकर जवाब नहीं दे पाया। और ये जो चोरी हुई है ये सिर्फ राफाल मामले में नहीं हुई, यहां पे जमीन, जल, जंगल का मुद्दा है, पूरे हिंदुस्तान में, हर प्रदेश में, हर गांव में हिंदुस्तान का किसान अपने प्रधानमंत्री से कहता है हमारा भी कर्जा माफ करो। प्रधानमंत्री अरुण जेटली का जवाब आता है हम नहीं करने वाले, हम किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए कर्जा, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी 1,000 करोड़ रुपए। भाई और बहनों, किसानों, छोटे दुकानदारों, आदिवासियों, प्रधानमंत्री ने 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात के आदिवासियों का कितना कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने, गुजरात के किसानों का कितना कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी जी ने? यह दूसरे तरीके की चोरी है। एक तरफ 15 लोगों का आप लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हो, और दूसरी तरफ जब किसान, आदिवासी, छोटा दुकानदार आपसे कहता है हमारी भी मदद करो, आप कहते हो नहीं करेंगे। गुजरात में चुनाव हुआ, हमने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी कर्जा माफ होगा, आपको याद होगा। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी के सब नेताओं ने कहा कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, हमने वहां कहा देखिए 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ नहीं किया। मोदी जी कहते पैसा नहीं है, रमन सिंह जी कहते हैं पैसा नहीं है, वसुंधरा जी कहती है पैसा नहीं है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं पैसा नहीं है। हमने कहा देखिए कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, आसमान फट जाए, मगर 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसान का कर्जा माफ होगा। और मैं गर्व से कहता हूं, गुजरात की जनता से कहता हूं, हम आपके लिए करना चाहते थे, 10 दिन नहीं लगे। भूपेश बघेल जी ने, कमलनाथ जी ने 6 घंटे में कर दिया, अशोक गहलोत जी ने 2 दिन में कर दिया। भाइयों और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है, यहां पे अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर,
इनके कोई खिलाफ नहीं, मगर आदिवासी और किसान न्याय चाहता है। अगर आप अनिल अंबानी को राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो तो आपको हिंदुस्तान के किसानों और आदिवासियों को न्याय देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जमीन अधिकरण बिल लाई, उसमें साफ लिखा था किसान से आदिवासी से किसी से भी आप जमीन लेना चाहते हो तो पहले उससे पूछना पड़ेगा, उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर किसान ने आदिवासी ने कहा कि हां मेरी जमीन ले सकते हो तो फिर मार्केट से चार गुना ज्यादा पैसा उसके बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। और बताइए आखिरी लाइन थी, अगर पांच साल के अंदर फैक्ट्री कारखाना नहीं लगा तो आदिवासी की जमीन किसान की जमीन उसको वापस दी जाएगी। यह तथा कानून छत्तीसगढ़ में टाटा कंपनी ने हजारों एकड़ जमीन ली थी, पांच साल हो गए कोई कारखाना नहीं बना, कोई काम शुरू नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों की जमीन उनको वापस दी। भूपेश बघेल जी ने कहा देखिए पांच साल के अंदर आपने इस जमीन से कुछ नहीं किया, अब यह जमीन वापस किसानों और आदिवासियों के हाथ की जा रही है, आदिवासियों को बस्तर जिले में जमीन वापस दी गई। भाइयों कानून है, इस कानून को गुजरात में बाकी हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने रद्द किया है, लागू नहीं करते। हम आदिवासी मिल रहे हैं, साफ लिखा था जल जमीन जंगल आदिवासियों का है, इसका हक आदिवासियों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में राजस्थान में जो आपकी जमीन थी वो आपको वापस दी जा रही है, कानून लागू किया जा रहा है। गुजरात में आपसे कहा जाता है भारत माला प्रोजेक्ट है, आप परे हटिए, आपको ना कॉम्पेंसेशन मिलेगा, आपको ना मदद मिलेगी, आपकी जमीन गई तो गई। ये भारत माला प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत मारा प्रोजेक्ट है। इससे आप भारत को मार रहे हो। विकास करना है जरूर करना है, सड़क बनानी है ठीक है, मगर आदिवासियों की आवाज को कुचला नहीं जा सकता है, हिंदुस्तान की किसानों की आवाज को नहीं कुचला जा सकता है। और इन्होंने सिर्फ आदिवासियों को किसानों को कुचलने का काम नहीं किया, गुजरात को छोटा दुकानदार छोटा बिजनेसमैन स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन बनाता है। पूरी दुनिया में आप लोगों ने हिंदुस्तान का गुजरात का नाम रोशन किया है, किसी भी देश में चले जाइए आपको वहां गुजरात से लोग मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर मिलेंगे। पता नहीं क्या हुआ 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नोटबंदी करनी है, 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द कर दिया। कहते मुझे 500 रुपए 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, मुझे तो गुलाबी 2000 रुपए का नोट चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। आप सबको, किसी को नहीं छोड़ा, आप सबको लाइन में खड़ा किया, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो आप सबको लाइन में खड़ा किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात के छोटे दुकानदारों से पूछना चाहता हूं, उस लाइन में आपने अनिल अंबानी जी को खड़ा देखा? उस लाइन में आपने करोड़पतियों को अरबपतियों को खड़ा देखा? ना, एक नहीं खड़ा। उस लाइन में गुजरात के छोटे दुकानदार थे, किसान थे, मजदूर थे, आदिवासी थे, गरीब लोग सब खड़े थे। क्या आपके जेब में काला धन था?
क्या आपका पैसा चोरी का पैसा था? ना, आप ईमानदार लोग हो, ईमानदार लोगों को लाइन में खड़ा किया, और भ्रष्ट लोग, हिंदुस्तान के सब चोर बैंक के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसे, उन्होंने अपना काला धन सफेद कर दिया, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी। और बीच में हिंदुस्तान का पूरा इनफॉर्मल सेक्टर, गुजरात के सब छोटे दुकानदार, स्मॉल मीडियम बिजनेस सब खत्म हो गए। नरेंद्र मोदी जी के पास हाथ जोड़ के जाते हैं, कहते हैं भैया हमारी मदद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तुम लोग चोर हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार चोर, हिंदुस्तान के स्मॉल मीडियम बिजनेस जो देश को रोजगार देते हैं वो चोर। अनिल अंबानी बिजनेसमैन, विजय अंबानिया बिजनेसमैन, मेहुल चौकसी बिजनेसमैन, नीरव मोदी बिजनेसमैन, ललित मोदी बिजनेसमैन, बाकी सब चोर। उसके बाद कहते हैं अभी बात नहीं बनी, अभी एक और कुल्हाड़ी मारनी है, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, पांच अलग अलग टैक्स बना दिए। छोटे व्यापारियों को अभी तक नहीं समझ आई क्या है ये। एक तरफ से इनकम टैक्स वाले लोग आते हैं, दूसरी तरफ से पुलिस वाले आते हैं, बर्बाद कर दिया सबको। 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी कहते हैं भैया गब्बर सिंह आएगा, चलो। मैं गुजरात के व्यापारियों से यहां से कह रहा हूं, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, जय शाह। अच्छा, नोटबंदी में 700 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट बैंक में जय शाह, अमित शाह के बैंक ने काले धन को सफेद किया, उसके बारे में नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। मैं गुजरात के छोटे व्यापारियों से यहां कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुन लीजिए, आप सब अच्छी तरह सुन लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने कहा था 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, हमने वहां कहा था किसान को सही दाम मिलेगा, धान के लिए 2500 रुपए मिल रहे हैं वहां पे। मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता हूं यहां मूंगफली के लिए कितना मिलता है, कितना मिलता है भैया, क्या रेट मिलता है, मगर जो हमने कहा था हमने पूरा किया। अब गुजरात के व्यापारी लोग, छोटे दुकानदार, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग सुन लो, दिल्ली में यूपीए, दिल्ली में 2019 में कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये जो आपके ऊपर गब्बर सिंह टैक्स लगा रखा है इसको हम बदल देंगे, सच्ची जीएसटी बना देंगे। और जो आप पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुलिस वाले हावी हुए हैं उनको हम उतारेंगे। एक टैक्स होगा, सिंपल टैक्स होगा, और जो आप काम करते हो, जो आपकी समाज में जगह है उसकी आदर होगी। और मैं इस स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली कहते हैं हिंदुस्तान के व्यापारी, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले चोर हैं। नहीं, आप चोर नहीं हो, आप सब ईमानदार हो, आप अपना खून पसीना देश को देते हो। हम देश को जोड़ने का काम करना चाहते हैं, और गुजरात ने, सरदार पटेल जी ने, महात्मा गांधी जी ने देश को रास्ता दिखाया था, और गुजरात देश को रास्ता दिखाएगा, गुजरात देश को दिखाएगा देश में देश को जोड़ा कैसे जाता है, गुजरात देश को दिखाएगा कि सच्ची प्रगति का मतलब क्या होता है। सालों से यहां पे 15-20 लोगों को पूरा फायदा पहुंचाया जाता है, आदिवासी, किसान, छोटे दुकानदारों को मारा जाता है, पीटा जाता है, कुचला जाता है। समय आ गया है 2019 में चुनाव में, यहां पे आप देखना क्या बदलाव आने जा रहा है। एक मेरी शिकायत है,
गुजरात के पीसी से एक मेरी शिकायत है, देखिए एक शिकायत है, आप मुझे गुजरात में कम लाते हो। मेरा अब यहां पे गुजरात के साथ रिश्ता है, मुझे यहां का खाना अच्छा लगता है, लोग अच्छे लगते हैं, जनता अच्छी लगती है, आप मुझे यहां थोड़ा ज्यादा लाया करो। बिल्कुल। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए आपकी आपके जल जमीन जंगल की रक्षा करना हमारा काम है। हमने आपको आदिवासी बिल दिया, जमीन अधिकरण बिल दिया, मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, मगर अब हम एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं, सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में। 3-4 महीने से हमारी प्लानिंग चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया, जैसे पहले हरी क्रांति हुई, सफेद क्रांति हुई, मनरेगा दिया, कंप्यूटर क्रांति हुई, कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ, वैसा ऐतिहासिक काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और गुजरात की गरीब जनता, आदिवासी, छोटे कमजोर लोग, किसान, मजदूर, आप अच्छी तरह सुनिए, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में गारंटी इनकम का कॉन्सेप्ट लाने जा रही है। इनकम गारंटी का मतलब हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा, जैसे नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी जी के बैंक अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए डालते हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में धड़ाक से पैसा डालेगा। लोकसभा में मोदी जी ने भाषण दिया, बजट में उन्होंने कहा, अनाउंसमेंट की, मैंने देखा 5 मिनट धड़ 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 बीजेपी के नेताओं ने ताली बजाई, मैं हैरान हो गया, भाई ये मतलब इतनी लंबी ताली कैसे बजा दी इन लोगों ने। पता लगा नरेंद्र मोदी जी ने गरीब किसानों को दिन के 3.5 रुपए दिए हैं, दिन के 3.5 रुपए, एक परिवार को 17 रुपए, और बीजेपी के एमपी धड़ाधड़ 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 ताली बजा रहे हैं। अरे भाई किस बात की ताली बजा रहे हो, उसको आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो और हिंदुस्तान के किसान को 17 रुपए, अपमान करते हो हिंदुस्तान के किसान का। मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार 1,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करती है, आप 17 रुपए की बात करते हो और फिर 5 मिनट ताली बजाते हो, किसका बेवकूफ बना रहे हो आप लोग। तो हमारी जो मिनिमम इनकम की गारंटी होगी वो 3 रुपए की, 17 रुपए की नहीं होगी, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी और ताली आप बजाओगे, हमारे भी बजाएंगे। और ये सब हम कैसे करते हैं, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आप एक बात समझिए और अच्छी तरह समझिए, गुजरात की जनता आप समझिए, मालिक आप हो, मालिक हम लोग नहीं, मालिक आप हो, आपको अपनी शक्ति पहचाननी है। कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया, कर्जा माफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, किसानों ने किया, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ उनकी बात सुनी।
बीजेपी के नेता दिन भर आपसे मन की बात करते रहते हैं। मैं आपसे अपनी मन की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं आपकी मन की बात सुनना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, आप हुक्म करो, आपको भैया हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हमारा काम आपका हुक्म पूरा करने का है, हमारा काम आपको मन की बात बताने का नहीं है। आपका काम आपकी मन की बात बताने का है, हमारा काम सुनने का है। और मैंने सबको बता रखा है, पीसीसी प्रेसिडेंट को बता रखा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सब नेताओं से बता रखा है, आप अपनी मन की बात मत करो, आप जनता की मन की बात सुनो और जो आपसे जनता कह रही है वो आप करके दिखाओ। आपने और सिर्फ आपने नहीं, गुजरात की जनता ने, और मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात की जनता ने मुझे प्यार दिखाया है, मेरा आदर किया है, और मैं इस बात को जिंदगी भर नहीं भूलना चाहता हूं और कभी नहीं भूलूंगा। इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मुझे शक्ति दी, आपने मुझे प्यार दिया, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है। और जब भी मेरी जरूरत हो, चाहे मैं कहीं भी हूं, जब गुजरात मुझे बुलाएगा, जब गुजरात मुझे हुक्म करेगा, मैं गुजरात के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। आप सब दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपे गुजरात नी प्रजा ने खोबले खोबले धन्यवाद आप्या छे। गुजरात नी प्रजा पण आपनु धन्यवाद करवा मांगे छे अने धन्यवाद दरखास्त लईने आवे छे। वलसाड जिला पंचायत ना महिला आदिवासी नेता अने सभ्य बेन जयश्री बेन पटेल आभार विधि करवा आवी रह्या छे।